नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 42 इयर्स ओल्ड फीमेल। अब देखिए, लकी पाम तो हम क्या नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये इनके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है। पहले भी दिक्कतें रहीं जीवन में, लेकिन अब जो है स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है और पिछले 6 साल से अफेयर है और लेडी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। इनके और इनके बेटे को घर से निकालना चाहती है। तो हमें आगे फ्यूचर में क्या दिखाई देता है, हमें कि क्या इनको डिवोर्स देना पड़ेगा या इनके जीवन की गाड़ी संभल जाएगी, पुराने दिन वापस लौट आएंगे, या फिर आगे जो है जीवन में इनके बेटे को अलग से अपना कोई काम करना पड़ेगा या हस्बैंड के साथ ही आगे बिजनेस में सपोर्ट करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि ऐसा क्यों हुआ जीवन में। देखिए, सबसे ये देखिए, पहले भी ये दुखी रही होंगी, कम से कम 8-10 साल से दुखी हैं, कम से कम ये इतने 10 साल से करीब दुखी हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें। और ये रेखा देखिए, इतना बड़ा कट। अगर प्रेजेंट समय की बात करें, इनकी एज 42 अराउंड है, तो ये देखिए, जीवन रेखा को काट रही है रेखा, भाग्य रेखा को, साथ में मस्तिष्क रेखा को और हृदय रेखा को। अपनों से धोखा मिलना, कोई बहुत बड़ा धोखा मिलना, और इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो ये अपना समय कैसे काट रही होंगी ये खुद जानती होंगी, इतनी ज़्यादा ये दुखी परेशान होंगी। अपनी प्रॉब्लम किसी को ना बता पाना, या जिसको भी बताती होंगी वो उल्टा इनको ही 4 लेक्चर सुनाता होगा। इस तरह का प्रॉब्लम ये झेल रही होंगी इस समय, कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क रेखा कितनी डिस्टर्ब है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही समय एक सा रहता है। आगे जाके मुझे जीवन में क्लैरिटी दिख रही है। अभी इनके थोड़े 2-3 वर्ष इनके ऐसे ही बीतेंगे, 2-3 वर्ष इनको ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। और डिवोर्स जो है, अगर ये खुद सोचेंगी डिवोर्स मन पक्का करके कि मुझे दे देना है, तो ही इनका डिवोर्स होगा, अदरवाइज डिवोर्स के चांसेस नहीं दिखते। देखिए यहाँ पर, ये रेखा एकदम साफ हो रही है। और अगर मैं देखूं यहाँ पर भी रेखा एकदम, ये रेखा स्ट्रेस लाइन का असर ख़त्म हो रहा है, रेखा साफ चल रही है। इस तरह से आगे बढ़ोतरी जीवन में हो रही है, साफ चल रही है, तो दिक्कतें परेशानी दूर हो जाएंगी। यहाँ पर ये देखिए, कट है एक इनके हाथ में, और फिर ये रेखा फिर दोबारा से चल रही है। ये कट कुछ फाइनेंशियल लॉस के बारे में, परेशानियों दिक्कतों के बारे में। अभी 2-3 साल इनको काफ़ी ज़्यादा इसी तरह की परेशानी देखनी पड़ेगी, इस सिचुएशन को झेलना पड़ेगा, लेकिन एकाएक सिचुएशन अपने आप संभलेगी, अपने आप चीज़ें जो है सॉल्व होंगी इनकी, ऐसा लगता है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। ये देखिए, अगर मैं शादी की बात करूं, तो शादी में दोबारा से फिर वही खुशियां, वही अपनापन आना मुश्किल होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये कट और ये ढलान का इस तरह से आना, तो इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा ठोकर भरा समय आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है। और अगर इनकी हम शादी की रेखा देखें, तो ये देखिए काफ़ी डिस्टर्ब है। मैं इनकी पाउडर वाली पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये कितना ज़्यादा खुरदुरी रेखा का होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये यहाँ पर देखिए, शादी की रेखा में यव का चिन्ह है। ऐसे में इंसान शादी का सुख तो मिलता नहीं है, ढोता है शादी को, शादी को ढोना, शादी को बर्दाश्त करना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। तो मैं मुझे जो इनके हाथ में दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि पति इनको वापस दोबारा रखने में तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सेपरेशन जैसी चीज़ चलती रहेगी। डिवोर्स नहीं भी होगा तो ये दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखती है। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी पहले से कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ आगे के समय की, रेखा पर दबाव है, बेटा इनका सेट हो जाएगा, बेटे को सपोर्ट भी मिलेगी। यहाँ पर देखें तो ये देखिए हाथ में शुक्र पर्वत भी डाउन है। शुक्र पर्वत जब भी डाउन होता है, ये दबा हुआ शुक्र पर्वत होता है, इंसान को शादी का सुख नहीं मिलता, पति का सुख नहीं मिल पाता है, पति से प्यार, अपनापन, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये दिक्कत मुझे इनके हाथ में दिखती है। देखिए यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा भी देखें तो पहले स्थिति काफ़ी अच्छी थी, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन करीब मुझे ऐसा लगता है 35 वर्ष के आसपास से ही चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होना, बहुत ज़्यादा, जैसे फाइनेंशियली भी दिक्कतें आना, या जैसे होता है कि आपको सिर्फ जीवन की गाड़ी आप किसी तरह घसीट रहे हो, पति का सुख नहीं है, बस एक छत के नीचे आप रह रहे हो, पति पत्नी में आपस में कोई प्यार लगाव नहीं है। ये कितनी भी कोशिशें करती होंगी, इनके पति इनसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते होंगे, हो सकता है कि इनकी तरफ देखना भी पसंद ना करते हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखती है इनके हाथ में। और अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत हल्की होती जा रही होगी, दिन पे दिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे ऐसी खास नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, जैसे ये अपना 49 के आसपास पहुँचेंगी, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ती हुई दिख रही है, आगे भी चीज़ें
कुछ ग्रोथ ले रही हैं, लेकिन मुझे शादी में वापस कुछ ऐसा जुड़ना या शादीशुदा ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाना, वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई देती। हाँ, ये अपना रास्ता कुछ अलग कर लेंगी कि अपना जीवन में ध्यान कहीं और लगाना, रास्ता अलग करने ना, लेकिन सेपरेशन मुझे दिखता है। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इनके हाथ में मुझे कि इस तरह की रेखा दिखती है बिज़नेस की। ये अपना कोई काम भी करेंगी, ये इनका राइट हैंड भी, हम देखेंगे कि राइट हैंड भी क्या बताता है। तो ये अपना काम करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं देखूं हाथ में, अब ये तो इनकी क्वेश्चन जो मेन इनका क्वेश्चन था इसके बारे में हुआ, और बच्चे की सुख की बात करूं तो बच्चे से इनको काफ़ी सुख मिलेगा, इनको काफ़ी सुख मिलेगा। देखिए ये अच्छी खासी सपोर्टिंग लाइन है ये, और ये बच्चे की ही लाइन है जो जिसका सपोर्ट यहाँ से 30 वर्ष के आसपास से शुरू हो रहा है, और ये देखिए काफ़ी लंबा अच्छा खासा सपोर्ट चलता जा रहा है, तो ये एकदम अंत तक सपोर्ट चलेगा। यहाँ पर भी मैं देखूं तो अब देखिए राइट हैंड में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितना खुरदुरापन है, बहुत ज़्यादा खुरदुरापन है। इनफैक्ट यहाँ पर तो पाउडर ही फंस गया है, इतना ज़्यादा खुरदुरापन इनके हाथ में है। ये देखिए दबाव है इनके, ये इस समय को बता रहा है, ये मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशंस, परेशानियाँ, दिक्कतें, पहले भी दुखी थी, अब स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है, सहन नहीं हो पा रही स्थिति, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। धन की रेखा इनकी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक कट, कोई बड़ा लॉस, इनको सेपरेशन वाली चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है। और जीवन की गाड़ी फिर भी आगे चलाती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ कट मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड डिवोर्स के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे कि किसी तरह ये उनका पीछा छोड़ दें। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का कट, ये बड़ी कैड़े कट है इनके हाथ में, ये देखिए ये इस तरह के कट्स ये, और इनके सामने ये सिचुएशन पहले भी कई बार आई होगी। ये देखिए ये किसी तरह से जीवन की गाड़ी ढो रही थी, किसी तरह चला रही थी, बाकी शादी इनकी बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब ये देखें यहाँ पर भी हाथ में, ये देखिए इस तरह से कितना ज़्यादा दबाव है, ये दो रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं बहुत ज़्यादा, ये इसी चीज़ को दर्शाता है। बिना पाउडर की एक पिक्चर और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कितना ज़्यादा दबाव है, लेकिन जैसे ये समय पार हो रहा है धीरे धीरे तकलीफ़ें ख़त्म होती जा रही हैं। इनका स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पर भी अभी भी स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, ये कट्स सब इनके स्ट्रगल को दर्शा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लग रही है, लेकिन फिर भी ये हालातों से लड़ेंगी, हिम्मत नहीं हारेंगी और आगे बढ़ती जाएंगी। ओल्ड एज में इन्हें अपने बेटे से काफ़ी सुख मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट इनका बेटे के साथ बना रहेगा। और यहाँ पर भी देखें हाथ में मुझे बिज़नेस की रेखा बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है, यहाँ पर भी अपना काम करने की, अपना बिज़नेस करने की रेखा बहुत दिखती है। अगर मैं इनका हाथ देखूं तो माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है इनका, बहुत समझदारी से बात करना, बहुत समझदारी से चीज़ों को टैकल अप करना, ये बहुत अपने अंदर इस सिचुएशन को संभाले रखना ऐसे समय में, ये बहुत अच्छे से दर्शाता है। ये ऐसी लेडीज़ कभी भी फालतू बातें नहीं करती हैं, कभी भी ख्याली पुलाव पकाना, फालतू बात नहीं करना, टू द पॉइंट बात करने वाली समझदार लेडी और जीवन की रियलिस्टिक बातें करने वाली, ये चीज़ मुझे दिखती है इनके हाथ में। अब आते हैं इनके हाथ के एनालिसिस की ओर। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें तो अभी भी हाथ में काफ़ी अच्छा चमक है, हाथ में अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है, जीवन में अच्छा समय भी देखा होगा, आगे भी जीवन में अच्छा समय देखेंगी, परंतु ये जो समय है जैसे कि मैंने लाइन के कारण बताया वही दिक्कत है। हाथ में अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर्ड पाम है, स्क्वायर्ड पाम जब भी होता है इंसान जीवन में काफ़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ को पाने के लिए, आसानी से बना बनाया पका पकाया कुछ नहीं मिलता, जीवन की कठिनाइयों को काफ़ी बारीकी से देख लेता है ऐसा इंसान। अगर मैं इनके हाथ में बात करूँ, जीवन का ग्राफ इस तरह से चलेगा, इस तरह से जीवन में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत करना, फिर आगे जीवन की गाड़ी को सेट करना, इस तरह से ज़ीरो से शुरू करते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर हाथ में देखें इनके, तो यहाँ पर मुझे ये देखिए सूर्य रेखा पर एक सूर्य पर्वत पर बड़ी अच्छी फिश नज़र आती है। जब भी इस तरह की फिश होती है इंसान जीवन में काफ़ी फेमस भी होता है, कोई अपना काम इस तरह का करता है जिसमें उसको प्रसिद्धि भी मिलती है, अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करके दिखाता है। अब इनके हाथ में देखूं अगर मैं,
लेकिन फाइनेंशियल डिस्टरबेंस की वजह से एम का चिन्ह पूरा नहीं हो पा रहा। अब देखिए हाथ में यह उंगली सीधी खड़ी है एकदम। जब भी गुरु की फिंगर सीधी खड़ी रहती है तो इंसान जो है अपने कर्मों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है कि कर्मठ होता है, कि बिना कर्म के कुछ नहीं होता, इस तरह की सोच भावना इनके अंदर देखी जाती है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये उंगली भी एकदम स्ट्रेट है। अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन का कहना चाहिए बहुत ज्ञान इनको हो जाता है। यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर ये इस तरह की कट्स हैं। जब भी इस तरह का सूर्य की फिंगर पर कट होता है, इंसान अपने जीवन में ये कहना चाहिए बहुत धोखे भी खाता है। साथ में होता क्या है कि आपने कोई अच्छा काम करा तो तारीफ दूसरे ले जाते हैं, और कोई आपसे गलती हो गई तो उसका, किसी दूसरे से गलती हुई तो उसका सारा ब्लेम आपके ऊपर आना, बदनामी भी सहन बहुत करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट, ये देखिए ये सूर्य की फिंगर लंबी है। जब भी सूर्य की फिंगर लंबी होती है, इंसान अपनी टैलेंट, अपनी स्किल्स के बलबूते पर आगे बढ़ता है। और यहाँ पर देखें तो ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेज तक नहीं आ रही है। भोला स्वभाव होना, अपने भोले स्वभाव के कारण ठगे जाते हैं ऐसे लोग, अपने भोले स्वभाव के कारण जीवन में धोखा पाते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें इनके फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं हमें। ये देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। जब भी इस तरह का चक्र का निशान होता है, इंसान अपनी गुरु की फिंगर पर काफ़ी नॉलेजेबल होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। इनको तरह तरह की नॉलेज होती है, और तरह तरह के फील्ड्स की नॉलेज होना, तरह तरह की नॉलेज होना, अध्यात्म का ज्ञान भी बहुत हो जाता है। जैसे जीवन में मैंने कहा धोखे देख कर इनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाने लगते हैं ऐसे लोग। कई बार होता है कि इनका मन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सत्संग सुनने में, इस तरह की चीज़ों में भी मन लगने लगता है, और नॉलेज तो भरपूर होती है, और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन ये लोग होते हैं। अब यहां पर देखिए चक्र का निशान है, ये देखिए ये सूर्य शनि की फिंगर पर जब भी चक्र का निशान होता है, ऐसे लोग जीवन में ये बता देते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला कौन मुझे धोखा देने आया है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। जीवन की गलतियों से या जीवन के एक्सपीरियंसेस से काफी लेसन ये लोग लेते हैं। और यहां पर चलें तो ये देखिए, ये इस तरह का डबल लूप का निशान मुझे इनके हाथ में दिखता है। ये थोड़ा कम क्लैरिटी है लेकिन डबल लूप का निशान है। ये जीवन के गोल घुमाव को दिखाता है। ऐसे लोग कई बार होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल जीवन की गाड़ी अलग तरीके से चल रही होगी, लेकिन अचानक जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आप मिड में ही जीवन के कुछ ना कुछ शुरू करोगे और आगे तरक्की भी पाओगे, अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश भी करोगे। ये देखिए ये कट्स क्रॉसेस, बीच में अड़चने आना, नेम फेम खराब होना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप होता है। जब भी तो ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किसी को उधार देने से बचना चाहिए। होता क्या है, ऐसे लोग जब भी किसी पर विश्वास करते हैं वही इंसान इनको धोखा दे के जाता होगा। अब आते हैं इनके अंगूठे पर, देखें इनका अंगूठा क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अंगूठे पर देखूँ तो इस तरह का उल्टा लूप है। ये अपने परिवार को बहुत प्यार करना, अपने, ऐसी लेडीज़ अपने हस्बैंड, बच्चों, सबको बहुत प्यार करती हैं, अपने भाई बहनों और रिश्तेदार से बहुत लगाव होता है। ये देखिए अंगूठे पर इस तरह का गोल अगर मैं दिखाऊँ, ये इस तरह का, जब भी इस तरह का अंगूठा होता है तो इंसान जीवन में कठिनाइयाँ भी देखता है। जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको समझदारी से झेलना, हिम्मत के साथ उनका सामना करना। ये देखिए एक्सटर्नल फैक्टर से परेशान करते हैं ये जीवन में अड़चन है। और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल लाइन है, ये देखिए विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इनका। तो लॉजिक के साथ बात करना, प्लानिंग्स बना के रखना, उन पे वर्क करना, इस तरह की स्वभाव दिखता है। अंगूठा पीछे की ओर काफ़ी अच्छा, अगर हम देखें तो ये पीछे की ओर काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, थोड़ा मुड़ता है, यानी कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, चीज़ों को बर्दाश्त करना, अपना एक होता है कि नहीं मेरे को इतने में मैं काम चला लूँगी, इस तरह का स्वभाव देखा जाता है। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर, राइट हैंड में देखें कि चिन्ह में हमें क्या मिलता है फिंगरप्रिंट्स में।
देखिए अंगूठे पर चक्र का निशान है, जब भी ये अंगूठे पर चक्र का निशान होता है ऐसे लोग जीवन व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ ना कुछ अपने बलबूते पर अपने आप को स्टैंड करते हैं। ये देखिए ये पूरे हाथ को बल देता है, ये चक्र का निशान खाली नहीं जाता। अंगूठा वो चीज़ होती है जिसमें हम अगर हाथ से खाना खाना हो, चम्मच पकड़ना हो, तो भी हमें अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें पेपर पर साइन करना हो तो भी हमें अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। बिना अंगूठे के हम इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते, इनफैक्ट कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये अंगूठे का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है, और ये अंगूठा हमारे दिमाग को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपोजर, काफ़ी कुछ टैलेंट स्किल्स मुझे इनके अंदर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखें, ये देखिए एक नेगेटिव रेखा इस तरह की, इनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे कि इनके हाथ में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। ये चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर, ये देखिए सिंपल सी एक रेखा प्लेन जो होती है, मैंने हमेशा देखा है प्लेन सिर्फ रेखा हो, यव का चिन्ह ना हो। इंसान के जीवन में कभी कभी शून्यता आ जाती है, ऐसा लगता है जीवन की गाड़ी एकदम बैठ गई है, क्या करूँ कैसे करूँ, ये चीज़ें होती हैं जीवन में, ग्रोथ सक्सेस की दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये सब देखिए डिस्टर्बेंस, पारिवारिक डिस्टर्बेंस मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगेन ये इस तरह का मुझे चक्र का निशान मुझे इनके हाथ में दिखता है। जब भी इस तरह का चक्र का निशान होता है, अपनी नॉलेज के बलबूते पे आगे तो बढ़ते ही हैं, बहुत तरह तरह की नॉलेज गेन करते हैं लोग, सीखने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये चक्र का निशान है। ये जब भी इस तरह का चक्र का निशान होता है, इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ सीखता है जीवन के एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों से लेसन्स लेना, सामने वाले की गलतियों से लेसन्स लेना, इस तरह का स्वभाव दिखता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी चक्र का निशान है, कोई ना कोई बड़ा इस तरह का कार्य करना जिससे कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बनती है। ऐसे लोग देखिए देखिए हाथ में अगर इतने चार चक्र के निशान अभी तक हमने देखे तो इंसान का जीवन व्यर्थ नहीं जाता। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस तरह का डबल लूप मुझे दिखता है, ये देखिए डबल लूप मुझे दिख रहा है, ये डबल लूप कुछ ना कुछ जीवन में पैसा कमाने के मामले में कोई ना कोई ट्विस्ट टर्न लेकर आता है, कोई ना कोई ट्विस्ट टर्न जीवन में, कुछ बड़ा कुछ ट्विस्ट टर्न ऐसा आता है पैसा कमाने के बारे में, स्वभाव के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में ट्विस्ट टर्न्स आते हैं। अब अगर मैं इनके हाथ में देखूँ, दसों उंगलियों का समावेश निकालें, तो हमें इनके राइट हैंड में एकदम से चार चक्र के निशान मिलते हैं, और लेफ्ट हैंड में हमने उन्नर लूप्स देखे थे, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो इंसान के राइट हैंड में बहुत ज़्यादा बल है, बहुत पावर है, इनके इनके जीवन में ये इनका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, इनको कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिलेगा करने का, कुछ ना कुछ ये जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाती जाएंगी, और बहुत अपने आप को अपने बलबूते पे स्टैंड करना, अपने बलबूते पे अपने आप को काबिल बनाना, वो चीज़ मुझे इनके हाथ में आगे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, देखें माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए माउंट में यहाँ पर गुरु का पर्वत दबा हुआ होता है। जब भी इंसान कोई विदेश में रहता है तो उसका गुरु का पर्वत दबा हुआ ही होता है, क्योंकि वो अपने परिवार वालों को मिस करता है। परंतु यहाँ गृहस्थ जीवन में भी दिक्कतें मिल रही हैं, इसलिए इनका पर्वत ये दबा हुआ हमें दिख रहा है। देखिए शुक्र भी दबा हुआ, गुरु भी दबा हुआ, पारिवारिक सुख में कमी हो जाती है, इंसान के अपने फैमिली प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने बताया वो सब चीज़ें चलती हैं, और पति से तो बिल्कुल ही कोई तरह की उम्मीद नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि कब जीवन में छोड़ के ही चल दें जाएं, इस तरह की स्वभाव मिल जाता है। और फिर भी इन्होंने अपनी समझदारी से मैं कहूँगी कि जीवन की गाड़ी यहाँ तक खींच ली है। देखिए शनि दबा हुआ है, मन में दुख होना, परेशानी होना। सूर्य भी दबा हुआ है, सूर्य ऐसा लग रहा है कि जो है पिता से दूरी या पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें जो कि 42 में आम बात है। यहाँ पर देखें तो मुझे एक लंबी लाइन दिखती है, ये देखिए सूर्य की लाइन, हालांकि बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन अर्ली एज में भी इन्होंने नेम फेम पाया होगा। कोई ना कोई इस तरह से ऐसा होता है कि आपको लेट ट्वेंटीज़ में कोई नेम फेम मिलना, और रिश्तेदारों में, कज़न्स में, इस तरह का, और ये चीज़ मुझे दिखती है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सूर्य रेखा का यहाँ से चंद्रमा से कनेक्शन, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन मुझे साफ दिखता है, फॉरेन कंट्री से इनकम, फॉरेन कंट्री से कनेक्शंस, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में बुद्ध पर्वत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुद्ध पर्वत जब भी अच्छा होता है, इंसान बोलने चालने की जो कला है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्किल्स टैलेंट बहुत होते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होना, एक होता है समझदारी से बात करना, पोलाइटनेस के साथ, हम्बलनेस के साथ, और दिमाग को काफ़ी शार्प भी रखते हैं ऐसे लोग। इनके अंदर जो कहना चाहिए कि
एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स काफ़ी बढ़िया देखे जाते हैं, सेल्स मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मंगल पर्वत काफ़ी बढ़िया है, अंदर से ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, हिम्मती और साहसी बहुत हैं, अंदर से भी काफ़ी बोल्ड है। चंद्र पर्वत देखिए थोड़ा सा दबा हुआ है, चंद्र पर्वत जब भी दबा होता है इंसान कई बार होता है कि जल्दी मन में होता है कि बार बार विचारों का बदलना, क्या करूं कैसे करूं, इस तरह के विचार बार बार आते हैं। तो ये तो हमें इनके लेफ्ट हैंड में मिला। अब चलते हैं राइट हैंड में, रेखाएं मैंने डिस्क्राइब करी थी और देखिए ये हृदय रेखा पर भी बहुत डिस्टर्बेंस है, अपनों से धोखा मिलना। इस समय इनके हालात ऐसे चल रहे होंगे जिस जिसको ये बात पता चलती होगी वो उल्टा इनको लेक्चर सुनाता होगा, सिंपैथी देने की बजाय उल्टा इनको चार बात सुना देता होगा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं इंसान को। चलिए अब देखते हैं हाथ में कि राइट हैंड क्या बताता है। देखिए राइट हैंड में भी देखें तो गुरु पर्वत यहाँ दबा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा बताया भी कि सपोर्ट ख़त्म हो जाना, और ये देखिए यहाँ पर भी मछली का चिन्ह है शनि पर्वत पर, हालांकि दबा हुआ है शनि पर्वत लेकिन मछली का चिन्ह, ओल्ड एज अच्छी खासी रहेगी, सुख में बीतेगी ओल्ड एज। यहाँ पर देखूँ अगर मैं, देखिए विद्या की रेखा काफ़ी बढ़िया, जैसे होता है ना बहुत कुछ सीखने की इच्छा, कई फील्ड्स की नॉलेज रखना, जहाँ जो ज्ञान मिल रहा है सीख लो समझ लो, इस तरह की चीज़ दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 50 के बाद कुछ अच्छा नेम फेम मिलने के योग भी दिखते हैं इनके हाथ में। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी सूर्य पर्वत थोड़ा फ्लैट है, ये देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो मैरिज लाइन डिस्टर्ब है, ये देखिए खुरदुरी सी हो रही है, बिल्कुल बहुत खुरदुरी है। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बुध पर्वत यहाँ गेन अच्छा है, यहाँ पर भी बुध की रेखा बिजनेस की रेखा बहुत बढ़िया दिखाई पड़ती है। अगर इनके हाथ में देखा जाए यहाँ पर देखिए शुक्र यहाँ भी दबा हुआ है, मन परेशान है, देखिए चंद्रमा बिल्कुल दब गया बैठ गया, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। गुरु पर्वत जब बैठ जाता है तो ये गृहस्थ जीवन को ख़त्म करता है, शुक्र पति से सुख मिलना बंद हो जाता है, और ये देखिए लाइफ लाइन पर तो डिस्टर्बेंस है ही। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आगे, अब 45 के बाद जीवन में थोड़ी शांति आनी शुरू होगी, जीवन में जो एक प्रॉब्लम्स हैं वो शांत पड़ जाएंगी, ठंडी पड़ जाएंगी और जीवन की गाड़ी थोड़ी बेटर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कितना खुरदुरापन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना साफ है। देखिए मेरे को ये तो नहीं लगता कि आप फिर से दोबारा से साथ रहेंगे हंसी खुशी इस तरह से, लेकिन हाँ मुझे डिवोर्स के चांसेस भी कम लगते हैं, मुझे लगता है कि सेपरेशन बना रहेगा, साथ में रहने का पॉसिबिलिटी नहीं दिखती मुझे। लेकिन हाँ बेटा आपका सेट हो जाएगा क्योंकि ओल्ड एज आपकी सुख में मुझे दिखाई देती है, तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। तो अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आपका 45 के बाद का समय थोड़ा और बेटर होगा, और 48 के बाद तो समय स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, 45 और 48 और 50 के बीच में स्थिति और बेटर हो जाएगी। थोड़ा ये जीवन कष्टकारी है, थोड़ा समय कष्टकारी है, लेकिन मैं इनको उपाय भी सेंड करूँगी जिससे कि थोड़ा सा चीज़ों में शांति मिले, ये सब चीज़ें इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हों। तो अगर मैं देखूँ तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, और भी अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो हाथ में मैंने जो भी चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें मुझे मिली मैंने देखी, तो मुझे उससे यही बात समझ में आई। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो, आपके जीवन में आपको हिम्मत मिले, साहस मिले कि आप इस परेशानी को झेल सकें, और जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, आगे आप खूब राइज करें, आपका बेटा भी खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।